इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू स्टडी द एजम्पन्स ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑर्डरिंग एंड द सेकेंड अजम्पन वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द ट्रांज़िटिविटी ट्रांज़िटिविटी बेसिकली डाइव है ट्रांज़िशन से जिसमें हम ट्रांज़िशन को अगर देखें तो तगैर कहते हैं कि वो एक चीज़ से दूसरे में कन्वर्ट होने को हमने अब तक ये तय किया था कि कन्जम्पन बंडल्स का कंपेरिजन कंज्यूमर जब भी करता है वह दो के दरमिया कर रहा है और ट्रांजिटिविटी में हम तीन बंडल्स का जिक्र कर रहे हैं लेकिन ये तीन बंडल साइमल्टेनियसली कंपेयर नहीं होंगे बल्कि इन तीन में से भी वो दो बंडल्स को एक दफ़ा कंपेयर करता है और फिर उसी में से किसी एक बंडल को उस दूसरे के साथ मिलाकर कर वहाँ कंपेयर करता है तो बेसिकली कम्पेरिजन ऑफ टू बंडल्स एट ए वन टाइम एंड देन अगेन द टू बंडल्स एट द अदर टाइम इज द एसेंस ऑफ दिस अजम्पन अब हम अगर देखें कि ट्रांजिटिविटी एक्सप्लेन क्या करती है तो हमने कहा कि हम अज्यूम करते हैं कि जिस तरीके से उसके पास बंडल पहले हमने कहा एक्स प्राइम एक था जिसको हम सादा सादाफार्म में कहें कि एक्स के ऊपर हम एक डैश लगाते हैं एक एक्स डबल प्राइम था और अब एक उसके पास एक्स ट्रिपल प्राइम है तो या हम कहें कि उसके पास तीन बंडल a, b और c हो सकते हैं तो अगर अब उन तीन बंडल्स में अगर हम अब देखें तो हम कहते हैं कि अगर उसका बंडल x प्राइम इज़ प्रेफर्ड टू बंडल x डबल प्राइम और दूसरी तरफ जो x डबल प्राइम बंडल है वो x ट्रिपल प्राइम पर प्रेफर्ड है तो ये एक तरतीब बनेगी तो इसमें अगर हम कहें तो ऑटोमेटिकली पहला बंडल x ट्रिपल प्राइम को प्रेफरेंस शो कर रहा होगा और उसी तरीके से अगर उसके पास कम्बिनेशन में दो तीन बंडल्स और अशिया का एक बिग बंडल बन जाता है जिसमें हम कहते हैं एक्स वन एक्स टू वाला बंडल पूरा है वाई वन वाई टू का बंडल भी है और अब वो प्रेफर जो कर रहा है वो एक दूसरे बंडल पर जो वाई वन वाई टू और जी वन जी टू है वो इसको प्रेफर कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले वाला बंडल है एक्स वन एक्स टू वो जी वन जी टू को प्रेफर करेगा अब इसी तरीके से चाहे हम नोटेशन ए बी सी की इस्तेमाल कर लें हम एक्स प्राइम एक्स डबल प्राइम एक्स ट्रिपल प्राइम की इस्तेमाल कर रहे हैं और या हम कहें कि वो हम एक्स वाई और जी की इस्तेमाल कर लें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज़ हम वाजिया करेंगे कि यहाँ पे एक्स वन एक्स टू को हम कहेंगे कि ये प्रेफर्ड ऑन वाई वन है और वाई वन जो है ये प्रेफर्ड ऑन Z1, Z2 है तो उसी तरतीब से X1, X2 को हम कहेंगे कि ये प्रेफर्ड ऑन Z1, Z2 कहलाएगा तो ये अजम्पशन जो लॉजिकली हमारी कंजम्पशन बंडल की कमोडिटीज़ की सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इस फॉर्म में ना कर सकें तो हम अशिया की रैंकिंग नहीं कर सकते अब इसी तरीके से अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक बंडल है जिसमें हम कहते हैं एक्स प्राइम और एक्स डबल प्राइम आपस में प्रेफर्ड की बजाय इनडिफरेंट हैं और क्योंकि इसका मतलब है कि जो एक्स डबल प्राइम है ये एक उस सेट को नोटेशन दे रहा है और उसी तरीके से एक्स डबल प्राइम इनडिफरेंट है एक्स ट्रिपल प्राइम के साथ तो इसी तरतीब के तहत अगर हम देखें तो ये बिहेवियर सेम है तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो x प्राइम है वो x ट्रिपल प्राइम के दरमियान में इनके भी कोई फोकियत नहीं होगी तो तरजीह होगी तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिहेवियर की ट्रांसिटिविटी है बेसिकली कि अगर दो बंडल्स के दरमियान प्रेफरेंस है और अगले दो बंडल्स के दरमियान प्रेफरेंस है और इन दोनों बंडल्स के दरमियान हमारा एक बंडल मुश्तरक है और इसी तरीके से अगर वो पहले दो बंडल इनडिफरेंट हैं और उसी बंडल में से जो एक है वो हमारा तीसरे बंडल का रुकन है और वो भी इनडिफरेंट है तो ये बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर जो है वो पहले से आगे को मुंतकिल होता चला जाता है और लेकिन इस अजम्पशन में हमें एक चीज़ सबसे जहन में जो रखने की ज़रूरत है वो ये है कि कोई भी जो एक बंडल है कि नो बंडल कैन बिलोंग टू मोर देन वन इन डिफरेंस सेट वो एक इन डिफरेंस सेट में अगर पोजीशन देगा तो वो वहाँ पे मौजूद होगा और अगर उसे दूसरे में होगा तो वो वहाँ पे अगर होगा तो वो उन दो के कम्बिनेशन में आएगा वो ये नहीं मुमकिन कि वो हर जगह पे पाया जा सके